दिनांक 13 अक्टूबर को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेनपुरी बॉर्डर फरुखाबाद पर स्थित संख्या तीर्थ में दूर दूर से लाखों की संख्या में भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों का हुजूम देखने को मिला। बताया जाता है कि संगिसा में एक टीला है जिस पर भगवान बुद्ध ने आकर उपदेश दिए, जिसके कारण ये जगह पुण्य मानी जाती है। इंडिया से तो लोग आते ही है, साथ में बाहरी देश थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और अन्य देशों से भी लोग यहाँ आकर भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते हैं। बहुत से देशों ने यहाँ अपने देशों के बुद्ध विहार भी बना रखे हैं जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। साथ ही हमारे चैनल के आगरा मंडल हेड विपिन कुमार की वार्ता दिल्ली से आए बुद्ध गायकर पारस मणि शाक्य और उनकी पत्नी से हुई। लोगों के बीच उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कुछ प्रस्तुति दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत बौद्ध है, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी जिला प्रजावास से हूँ। अच्छा, यहाँ आप आए हैं संकिसा में, यहाँ आज लोग जो इकट्ठे हुए हैं किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? आज क्या पर्व है, कोई क्या है? आज हमारा यहाँ भगवान बुद्ध की का बुद्ध पूर्णिमा है और यहाँ इस पूर्णिमा पर पूरे देश से नहीं विदेश से भी लोग लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ सुबह 7 बजे भगवान बुद्ध का डोला गाजी बाजे के साथ निकलता है। हजारों बुद्ध अनुयायी और जो हमारे बनते हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके साथ वो डोला आगे आगे वो आगे आगे चलता है, डोला पीछे चलता है। उस डोलों के पीछे लाखों की तादाद में बुद्ध अनुयायी चलते हैं। भगवान बुद्ध इस जगह पर संकिसा में आए थे और उन्होंने संदेश दिया था यहाँ, तो उस जगह पर, उस टीले पर लोग भगवान बुद्ध के लिए मोमबत्ती और अगरबत्तियाँ और अपना श्रद्धा जो उनके मन में है उनको लिए यहाँ आते हैं। यहाँ बताया जाता है बाहर की कंट्रियों के भी जो है बुद्ध टेंपल बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, आप इस जगह खड़े हो, ये कंबोडिया बुद्ध विहार है, ये वो बुद्ध विहार है, देख रहे हैं आप इस बुद्ध विहार की भव्य सुंदरता देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का नाम, आज हमारे देश का नाम अगर जाना जाता है तो भगवान बुद्ध के कारण, सम्राट अशोक के कारण जाना जाता है। ये जो बुद्ध विहार पीछे देख रहे हैं आप, ये कंबोडिया बुद्ध विहार है। यहाँ हर कंबोडिया, जापान, थाईलैंड, मंगोलिया, भूटान, यहाँ सब देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं और यहाँ लोग जो बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं वो इस दिन एक त्यौहार के रूप में यहाँ आके अपना उत्सव मनाते हैं।